الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں اللہ رب العزت نے مرد کو بھی پیدا فرمایا ہے عورت کو بھی پیدا فرمایا ہے اگر بات اتنی ہے کہ پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے تو پھر اللہ کا پیغام سمجھنا آسان ہے کہ اسے حق ہے کہ انسان مرد کیوں پیدا کیا اور اس ذات نے عورت کو کیوں پیدا کیا جب اتنا مان لیا کہ وہ ذات خالق ہے تو پھر اسے حق ہے کہ تخلیق کا مقصد بھی بتا دے کہ مرد کیوں پیدا ہوا ہے عورت کیوں پیدا ہوئی وہ قومیں جو اللہ کو مانتی نہیں وہ مرد عورت کی زندگی کے معاملے میں آزاد ہیں لیکن مسلمان اپنے اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے یہ بتایا کہ مرد کا کام یہ ہے عورت کا کام یہ ہے یہ دونوں الگ صنفیں ہیں شخصیتیں الگ الگ ہیں اور یہ بات مشاہدے میں ہے فطرتی ہے کہ جو صلاحیتیں مرد میں ہیں وہ عورت میں نہیں جو عورت میں ہیں وہ مرد میں نہیں جب دونوں کی صلاحیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان دونوں کا دائرہ کار بھی علیحدہ علیحدہ رکھا آج باطل کے پاس پروپیگنڈے کی طاقت ہے غلبہ اور قوت کا حصہ اس کے پاس ہے تو بس اوقات مسلمان جو دینی صحبت سے محروم رہتا ہے اور قرآن کی تعلیمات سے دور ہو چکا ہے اس کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر وہ بھی اس صنف نازک اور اس عورت کے بارے میں گمراہ کن نظریات رکھنے لگتا ہے اللہ نے مرد کی زندگی اس کا ایک دائرہ کار رکھا ہے عورت کی زندگی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورت کی زندگی کا مقصد اور منصب گھر کی زندگی کو استوار کرنا ہے یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے والد سے کہا ہے تم اس کے معاش کے ذمہ دار ہو شوہر سے کہا ہے
तुम इसके माश के जिम्मेदार हो। दोनों नहीं भाई से कहा है तुम इसके माश के जिम्मेदार हो, इसलिए कि वो एक अजीम जिम्मेदारी से एक अदीब जिम्मेदारी उसके सपुर्द है। वकर्न फी बुयूतिकुन्न, तुमने ये घर की जिम्मेदारी निभानी है। ये जो गुमराही है कि औरत मर्द के शाना बशाना, अगर मर्द औरत शाना बशाना ही चलने होते तो अल्लाह को इन दोनों सिन्फों में तकसीम करने की क्या जरूरत थी, दोनों एक जैसे पैदा कर देते। ताकत में फर्क है, सलाहियतों में फर्क है, मिजाज में फर्क है, फितरती फर्क है। अगरचे नई फैशन ने इस फर्क को मिटाने की बहुत कोशिश की है कि मर्द को औरत का पहना दिया और औरत को मर्द का पहना दिया, इसने मर्द की शक्ल लेना शुरू कर दी और औरत ने मर्द का रूप ढालना शुरू कर दिया। लेकिन जो फितरती फर्क है वो तो है, दोनों की जिंदगी का दायरा कार अलग है। वकर्न फी बुयूतिकुन्न, जब कुरान उतरा है तो उस वक्त इस उम्मत की सबसे बड़ी ख्वातीन है जिनकी पाकिजगी और तहारत के क्या कहने, उम्महातुल मुमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज, जहां पाकिजगी इंतहा पर, इफर और पाक दामनी रोए जमीन पर ऐसी कोई मिसाल नहीं, उनसे भी कहा जा रहा वकर्न फी बुयूतिकुन्न, और उसके जरिए सारी उम्मत के मां बहन बेटियों के लिए सबक है, पैगाम है कि ये औरत का अजीम शान मनसब है घरेलू जिंदगी को इस्तेवार करना, औलाद की तरबियत, माँ की गोद पहली तरबियत गाह है जहां से वो अखलाक सीखते हैं, किरदार बनते हैं। मैं ऐसी किया करती थी, जब सीने से लगाया करती थी और छाती से उसे दूध पिलाती थी और उसके कान पे हाथ रखती थी तो जिस्म की नशोनुमा के लिए छाती से वो दूध पीता और इसकी ज़बान के कलिमात से उसकी रूहानी तरबियत होती और ये माँ उसके कान पे हाथ रख के कहा करती थी, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। लोरियाँ दिया करती थी, सीने से लगती लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, गोद में रखती थी, उसका किरदार बनाने की मेहनत करती थी, बड़ा मनसब था। घर तरबियती इदारा है, पहली दरसगाह है। बताइए, बाप माशी जरूरत के लिए गया और उसकी जिम्मेदारी है ये, कसब और मेहनत के लिए गया ये उसकी जिम्मेदारी है, बच्चा नर्सरी चला गया, माँ दफ्तर चली गई, घर की दरसगाह को ताला लग गया, घर की दरसगाह को ताला लग गया, घरेलू जिंदगी खत्म, फैमिली की जिंदगी खत्म। और फिर एक और मुसीबत, जब आजादाना माहौल है, मर्द एक आजाद माहौल में काम कर रहा, औरत एक आजाद माहौल में काम कर रही, अल्लाह ने फितरत में रखी है मर्द के दिल में औरत की कशिश, औरत के दिल में मर्द की कशिश, मर्द भी एक आजाद माहौल में है, औरत भी एक आजाद माहौल में। बताइए, ये हलाल रिश्ता कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा।
और हरामकारी के दरवाजे चौपट खुलने लग जाएंगे। फितरत के खिलाफ है। जिस जात ने इस मर्द औरत की तखलीक फरमाई है उसकी रहनुमाई के खिलाफ जिंदगी गुजर रही है, नतीजे बद तो आएंगे ना, नतीजे बद तो आएंगे। फितरत के खिलाफ भी जिंदगी है और फिर कहे कि रिएक्शन ना आए। मगरिब समझ में आता है, इसलिए कि उनके यहाँ इफ्फत पाक दामनी खोटे सिक्के, उनके यहाँ तो बेहयाई ही इंतहाई मकसूद है, उनके यहाँ पाकिजगी तहारत एक ऐब है, उनमें हया उनकी डिक्शनरी के अंदर ही नहीं है, उनकी जिंदगी समझ में आती है। लेकिन मुसलमानों के घर, मुसलमानों के तालीमी इदारे, मुसलमान माशरे से ऐसी बदबूदार आवाज कि औरत की आजादी का मतलब यह है कि इस्लाम के तमाम अहकाम से इसे आजाद कर दिया जाए। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, दाएं बाएं जो कानों में आवाजें पड़ रही हैं खूब सुन रहे हैं, क्या हाल है, उस इस्लाम और उस दीन फितरत के खिलाफ जिंदगी गुजरने लगी है। अजीब मंतक है इस नई तहजीब की कि अगर कोई औरत अपने शोहर और अपने घर वालों, अपने माँ बाप, उनके लिए खाना पकाए और उनकी खिदमत करे तो ये रुजत पसंदी है, ये कैद है, ये जिल्लत है, ये दकियानूसी है। और वही औरत अगर एयर होस्टेस बनके हवसनाक निगाहों का निशाना बनके सैकड़ों लोगों की खिदमत करे, ये तरक्की है, ये आजादी है, ये एजाज है, ये जिद्दत है। अजीब भी होदगी है, ये फितरत के खिलाफ जिंदगी है। एक तो ये है ना मेरे अजीजों, घर में पर्दे में कमजोरी है और मुझे एहसास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची गलत माहौल में जा रही है, मेरा बेटा भी मखलूत माहौल में तालीम हासिल कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तौबा की तौफीक मिल जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मीद है मरने से पहले तौबा की तौफीक दे देंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता बातिल के नजरियात से इतना मुतासिर हुआ कि शर्म हया और इस हिजाब को एक जायद चीज समझने लगा, और कहीं शर्म हया की बात आ जाए तो उसे दकियानूसी समझने लग जाए। ये फिर खतरा है, ये फिर खतरा है कि इस्लाम और कुरान के इन कानून का इनकारी बन जाएगा, ये खतरा है। एक तो वो तबका है जो लादीनियत में बढ़ रहा है, जिसके यहां दीन नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन एक वो तबका है जो बस औकात नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, हज भी कर लेता है, पर्दा उधर भी नहीं है, वहां भी मखलूत निजाम से उनकी औलादें पढ़ रही हैं। लेकिन खुदा ना खासा अगर मगरिब के इन नजरियात से मुतासिर होके हिजाब ही का इनकार कर बैठा, कुरानी कानून का ही इनकार कर बैठा और दीन के इन अहकाम के बारे में उसकी जबान से ये निकला कि ये दकीनूसियत है, बताइए फिर ईमान का रहा, फिर ईमान का रहा। और एक ये एक शर्मिंदा है, एहसास है कि हम इस्लामी माशरत से और इस्लामी तहजीब से बहुत दूर निकल चुके हैं। बस औकात जबान से कहता तो नहीं लेकिन अंदर खून के आंसू होता है अपने बच्चों को देखकर, बच्चियों को देखकर तकलीफ होती है। तो इसके अंदर भी खैर मौजूद है, इसके अंदर भी कुछ ईमान की रत्ती मौजूद है, लेकिन अल्लाह ना करे इस बेहयाई के साथ अगर जबान से भी और दिल से भी ये सोचने लगा कि इस दौर के अंदर पर्दे के साथ रहकर जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, ये इस दौर का इस्लाम का हुक्म काबिल अमल ही नहीं है, अमल ही नहीं है, अमल ही नहीं है।
ये फिर ईमान के लिए खतरा है। तो जिस जात ने मर्द औरत को पैदा किया है उसने इसका तकसीम कार भी खुद बताया है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी दी है और वो जन्नत की शहजादी है और जिसकी तरबियत और परवरिश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में और सोहबत में और नजरों के नीचे हुई, जब घर गई तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और आपस में काम तकसीम कर दिया। फरमाया बाहर की जिम्मेदारियां तुम्हारे सपुर्द हैं, घर की चार दीवारी की जिम्मेदारी मेरी सपुर्द है। बताइए उससे बढ़कर कोई रोशन ख्याल हो सकती है खातून? उससे बड़ी कोई खातून हो सकती है समझदार और दानिशमंद? लेकिन अल्लाह के नबी की सोहबत तरबियत, कोई कह दे ये दकियानूसी है, चार दीवारी के अंदर कैद है, औरत तो बाहर निकलकर बड़े करनामे सर अंजाम दे सकती है। सच ये है कि हर बड़े कारनामे की बुनियाद घर में रखी जाती है, घर की तरबियत ही इदारे के अंदर रखी जाती है, हर बड़े कारनामे की बुनियाद घर से होती है। इतना बड़ा मनसब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, औलाद की तरबियत, घर के माहौल को इस्तेवार करना, घर के माहौल और फिजा को पुरसकून बनाना, बड़ी भारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब औरत को इन पुरफरेब नारों के जरिए बाहर निकाला तो वो सड़कों पे है, दुकानों पे खड़ी है, अपनी मुस्कुराहटों से ग्राहकों को मुतवज्जे कर रही है, उसके एक एक उंस को बेचकर चीजें बेची जाती हैं और उसकी जात से तशहीर के जरिए आज दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है ये कि उसको एक एक उंस को नुमाया करके तिजारत को तरक्की दी जाए। इस औरत के साथ भी जुल्म है। और जिस माशरे में दो मुसीबतें होती हैं, ये बेपर्दगी होती है, मखलूत निज़ाम होता है, एक तो वहाँ घरेलू जिंदगी ख़त्म हो जाती है, दूसरा वहाँ अजवाजी जिंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। मगरब इस गंदगी की इंतहा पे पहुंचा हुआ है। बताइए वहाँ घरेलू जिंदगी है? हमारा एक बच्चा वहां अमेरिका पढ़ने के लिए गया, कहने लगा मेरी क्लास में 46 बच्चे थे, एक मैं वाहिद था कि जो मेरे माँ बाप जिंदगी की 50 साल हो गए इकट्ठे रहते हैं, बाकी जितने लड़के थे 45 सबके माँ बाप को तलाक हो चुकी थी। ये रेशो है वहां, ये रेशो है वहां। और इसी तरह गंदगी, हराम औलाद, सारी चीजें दुनिया के रिकॉर्ड पर हैं। मुसलमान तो एक महजब माशरा, पाकीजा माशरा, इफ्फत और पाक अदामनी की जिंदगी जो इसका ईमान है, इस भी जिंदगी गुजारता है। तो दीनी सोहबत से दूरी का नतीजा ये होता है मेरे अजीजों कि गुनाह का एहसास भी खत्म हो जाता है, बल्कि गुनाह गुनाह अच्छाई बन जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कई फबिकुम, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा, इदराई तुमुल मुनकर अल मारूफ वल मारूफ वल मुनकर, जब तुम्हारी नजरों में बुराई अच्छाई बन जाएगी और अच्छाई बुराई बन जाएगी। हिजाब, पर्दा, हया, गैरत ये ऐब बन गया है, और बेहयाई और आजादी और गुमराह, बेहयाई और गंदगी, आज ये तरक्की, ये जिद्दत, मुसलमान माशरे में कितने लोग इसकी हिमायत में खड़े होंगे। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने के एक वक्त ऐसा आएगा कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुसुन कअस्निमतिल बुख लम यजिदन रीहल जन्ना व इन रीहा लतुजदु मिन मसीरति कदा व कदा। एक दिन ऐसी मखलूक गली बाजारों में, तालीमी इदारों में तुम्हें नजर आएगी, मार्किटों में लिबास पहनी होगी फिर भी बेलिबास होंगी, कासियातुन आरियात लिबास पहनी होंगी फिर भी बेलिबास होंगी।
इस कदर बारीक होगा, इस कदर चुस्त होगा, जिसम की सारी हयत झलक रही होगी। कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, माइल होंगी, माइल करेंगी, रुउसुहुन कासनिमतिल बुख्त, इनके सरों के बाल ऊंट की कुहान की तरह। लम यजिद नरीहल जन्ना, ये जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ पाएंगी। व इन नरीहा लतू जदु मिन मसीरति कदा व कदा, हालांकि जन्नत की खुशबू मिलो अमील आ रही हो। जब अल्लाह के नबी ने ये बात कही थी उस वक्त ये मखलूक कोई नहीं थी, लेकिन नबी की बात मोजिजा है। आपने इस दौर को अपनी नबूवत की आंख से देखा था, कैसी बुराई फैली है, कैसी बुराई फैली है, और नतीजा ये है हंसते बसते घर उजड़ रहे हैं, घरों की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया है। जब आजाद मेल जोल बल्कि बुनियाद ही तालीम की आजाद तालीमी निजाम से मर्द औरत के इख्तलात के साथ होगा, वहां तो शर्मो हया का जोहरी खत्म हो जाए। इसलिए कि मगरिब के यहां हया एक बीमारी है, हया एक बीमारी है। वो चाहते हैं ये जरासीम बचपन से लेकर 55 तक कहीं आने ना पाए बीमारी, और इस्लाम में शर्म हया एक जोहर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अल हया वल ईमान कुरना जमीयन, ईमान और हया दोनों जोड़वे हैं, जहां से एक चला जाता है वहां से दूसरा भी चला जाता है। जहां ईमान है वहां शर्म हया है, और जहां शर्म हया नहीं वहां ईमान भी चला जाता है, दोनों साथ साथ चलते। तो अल्लाह ने मर्द की जिम्मेदारी लगाई है, बाहर की जिम्मेदारियां हैं, औरत का मनसब है, घर को संवारना है, औलाद की तरबियत है, घर की पाकीजगी है, घर में तकवे का माहौल है, ये औरत की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर बाहर निकलती है किसी जरूरत के लिए निकलती है तो अल्लाह ने उसके लिए हिदायत दी है। या अय्युहन नबी, ए नबी कुल अज़वाजी का, कह दीजिए अपनी बीवियों से, व बनाती का अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, वनिसाइल मुमिनीन और तमाम ईमान वाली औरतों से कह दीजिएगा, युदनी नमीन जलाबीबिन, जब बाहर निकलो तो चेहरे पे चादर डाल दिया कर, ताकि पहचानी जाए कि ये बांदियां नहीं है, ये आजाद औरतें हैं, ईमान वाली हैं, ताकि ये पहचान हो जाए कि ये आजाद मुसलमान औरतें हैं, बांदियां नहीं है। बाहर निकलना है, जरूरत के लिए निकलना है तो हया की चादर के साथ निकलना है। ये शरीयत है, ये कुरान का कानून है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिदायत दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को अपने घरों के अंदर, अपने माशरे के अंदर इस हुक्म पर भी अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।